देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में सुना है आपने? जी। क्या नाम है उनका पूरा? श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। आपको उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में पता है? जी। क्या नाम है उनका? अजय कुमार बष्ट, योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रगान लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सब लोग तालियां बजाएं इसके लिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है। जो देख सकते हैं कि बच्चों को सारी तरीके की तालीम जो है दी जा रही है, और एक जो दाग लगाने की कोशिश की जा रही थी, हुज़ैफ़ा की उम्र जो है वो महज 12 साल की है। राष्ट्रगान भी उसे पता है, राष्ट्रगान किसने लिखा है, राष्ट्रगीत किसने लिखा है, वो तमाम चीज़ें उसके पास नॉलेज हैं। पर एक झूठ मदरसों को टारगेट करने के लिए जो फैलाया जा रहा है, उसकी सच्चाई हुज़ैफ़ा जैसे बच्चों के जरिए सामने आना जरूरी है। लगातार मदरसे के बच्चों के बीच में है एक जो जोर देकर के मीडिया में भी बताया जा रहा है, तमाम राजनेता भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बच्चों को जो है मदरसे के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत नहीं आता है। तो मैं यहाँ तमाम बच्चे मौजूद हैं, राष्ट्रगान किस किस को आता है यहाँ पर? राष्ट्रगान किस किस को पता है? यहाँ लगभग सभी बच्चे जो हैं आप देखेंगे कि राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगान सबको आता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है बेटा? खड़े हो जाएं आप। नाम क्या है आपका? मोहम्मद हुज़ैफ़ा। मोहम्मद हुज़ैफ़ा नाम है आपको। राष्ट्रगान आता है? जी। राष्ट्रगान कौन सा है? जनगणमन। जनगणमन है। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रगान लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों को यहाँ पर राष्ट्रगान का मतलब भी पता है, जो कि हुज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा एक बार राष्ट्रगान गा करके बताएं, क्योंकि बोलते हैं कि मदरसे के बच्चों को सब लोग खड़े हो जाएं, एक बार राष्ट्रगान वो गाएगा, तो आप राष्ट्रगान गा करके बताएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलत तिरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एक बार सब लोग जो है इस बच्चे के लिए क्लैपिंग करें, यहाँ पर सब लोग तालियां बजाएं इसके लिए, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। जो मदरसे के ऊपर दाग लगाए जा रहे हैं कि मदरसे के बच्चों को राष्ट्रगान नहीं होता। हुज़ैफ़ा आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। 12 साल के आप हैं, और भी कुछ पढ़ते हैं इसके अलावा मदरसे में? उर्दू के अलावा और क्या क्या पढ़ते हैं आप? जी हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं? तो इंग्लिश में अगर मैं आपसे पूछूँ कि व्हाट्स योर नेम, तो आप क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम? माई नेम इज़ हुज़ैफ़ा। व्हाट्स योर फादर नेम? माई फादर नेम इज़ मोहम्मद शाहिन। एक डिसिप्लिन ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, तो मदरसों में भी डिसिप्लिन को लेकर के तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। अरबी दर्जात के साथ साथ हम अपने बच्चों को इंग्लिश की तालीम से भी वाकिफ़ कराते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, मैथ भी है और कुछ जनरल साइंस भी है। इसी वजह से हमने जो पीरियड इससे पहले था इंग्लिश का था, वो अल्फाज माँ लिखवाए थे हमने यहाँ पे। मैं ये जानना चाहूँगा, तमाम बच्चे यहाँ मौजूद हैं, कि मदरसे के बच्चों को इतिहास के बारे में नहीं पता है, तो मैं बच्चों से जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है बेटा? आपको इतिहास के बारे में पता है, देश में आज़ादी किन किन लोगों ने दिलाई, उन फ्रीडम फाइटरों के नाम क्या हैं? भगत सिंह, सिंहदेव, झांसी की रानी, राजगुरु, मंगल पांडे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल हुसैन, हाफिज़ शाहिद। आपको पता है ना जिनके आप नाम बता रहे हैं उन्होंने देश के लिए क्या कुर्बानी दी है? जंग करी थी और उन्हें भगाया था, इसीलिए किनको भगाया था? अंग्रेज़ों को भगाया। मदरसे के बच्चों के बीच इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और बच्चों के लिए ये बताया जा रहा है कि उन्हें दीनी तालीम नहीं दी जा रही, उन्हें सिर्फ उर्दू पढ़ाई जा रही है। बच्चों से जानेंगे कि उन्हें जनरल नॉलेज के बारे में कितना पता है। आप खड़े होइए भाई। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद नवेद। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में सुना है आपने? जी। क्या नाम है उनका पूरा? श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी।
अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नवेद। वालिद साहब का नाम क्या है आपके? मोहम्मद उम्मीद। तो आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं अभी? मज़हबी किताब है कुरान शरीफ। मज़हबी किताब कुरान शरीफ आप पढ़ रहे हैं, तो पूरा पढ़ लिया आपने अभी? जी नहीं। कहाँ तक पहुँचे हैं अभी? दो पारे हो गए जी। दो पारे अभी पढ़े हैं आपने जी। कितने पारे होते हैं? 30। 30 पारे पूरे होते हैं जी। अभी दो पारे हैं यानी कि 28 पढ़ने। कब तक पढ़ लेंगे आप? 2 साल में जी। 2 साल में कम्प्लीट करेंगे जी। आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद जैद। आपको उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में पता है जी? क्या नाम है उनका? अजय कुमार बष्टी योगी आदित्यनाथ। अच्छा, तो वो जो मदरसे को लेकर के बातें बताई जा रही हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं? सिर्फ आप उर्दू ही पढ़ते हैं या कुछ और भी पढ़ते हैं? उर्दू भी पढ़ते हैं और कुरान शरीफ भी। कुरान शरीफ तो उर्दू पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं आप? अभी थोड़ी पढ़ी है। अभी थोड़ी पढ़ी है। चलिए आगे बच्चे से बात करते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद इस्माइल। आपको हज़म आती है सुना हमने? आपको नात आती है जी? क्या ना सुनाइए। आप उंगली उठा दे अगर डूबा सूरज पलट आएगा, आप उंगली उठा दे अगर डूबा सूरज पलट आएगा, दो इशारा अगर चांद को वो भी टुकड़ों में बट जाएगा, और जाके सिदरा पे जिब्रील भी रुके आका से कहने लगे, जाके सिदरा पे जिब्रील भी रुके आका से कहने लगे, जाके सिदरा पे जिब्रील भी, जाके सिदरा पे जिब्रील भी रुके आका से कहने लगे, इससे आगे अगर मैं गया, इससे आगे अगर मैं गया दोनों पर मेरा जल जाएगा, आप उंगली उठा दे अगर डूबा सूरज पलट आएगा, और उम्मती के लिए रात भर अश्क अपना बहाए नबी, उम्मती के लिए रात भर अश्क अपना बहाए नबी, हश्र में आपके नाम पर, हश्र में आपके नाम पर खोटा सिक्का भी चल जाएगा, आप उंगली उठा दे अगर डूबा सूरज पलट आएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत ही प्यारी नाच जो है बच्चे ने सुनाई। मैं कहूँगा कि सभी लोग एक बार इस बच्चे के लिए क्लैपिंग करें। बहुत बढ़िया बेटा। तो और भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? मज़हबी किताब अल्लाह। मज़हबी किताब पढ़ रहे हैं। तो कहाँ तक पारे पढ़ लिए आपने अभी? 18 पारे हो गए जी। 18 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। मुकम्मल हो चुके हैं। 12 पारे अभी आपके बाकी जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उर्दू के अलावा आप कुछ और भी पढ़ते हैं? जी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। इंग्लिश मैथ पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में आपको काउंटिंग आती होगी, टेबल वगैरह आते हैं? जी नहीं, अभी सीखने लगे, इस साल ही पढ़ना शुरू करा। अभी इस साल आपने पढ़ना शुरू किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट्स योर नेम, तो आप अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद शुएब। व्हाट्स योर फादर नेम? मोहम्मद यूसुफ। व्हाट्स योर मदर नेम? किसवर जहां। तो बच्चे ने जो है इंग्लिश भी
साथ में पढ़ाई कर शुरू किए और मज़हबी किताब भी लगातार पढ़ रहे हैं। तो बच्चों के बारे में जो ये बताया जा रहा था कि मदरसों में सिर्फ ये तालीम दी जाती है, तो बच्चे हमारे साथ थे जिन्होंने इंग्लिश में भी उनसे सवाल किए तो उन्होंने बताया, नात भी बच्चे गा रहे हैं। सारे हिंदुस्तान की जो मज़हबी ताकतें हैं, जो भाषा है, वो तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पढ़ाई जा रही हैं।